गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और प्रोजेक्ट अपडेट के बारे में। और आज किस वीडियो में हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के कैपिटल रायपुर के बारे में। अगर आप नागपुर साइड से आते हैं रायपुर और रायपुर में एंटर करते हैं तो आपको क्रॉस करना पड़ेगा यहाँ का सबसे फेमस, सबसे खतरनाक जो चौक है जिसका नाम है टाटीबंध चौक। खतरनाक मैं क्यों कह रहा हूँ आगे आपको वीडियो में बताऊँगा। एक टाइम पर दोस्तों इस चौक को क्रॉस करने में लगते थे सिर्फ कुछ मिनट्स। मैं बात कर रहा हूँ 4-5 साल पहले की। करेंटली अगर आप इस चौक को क्रॉस करेंगे तो ना जाने कितना समय लगेगा और कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा और कितना डस्ट और कितना ट्रैफिक आपको झेलना पड़ेगा, इसका आप आइडिया नहीं लगा सकते हैं। रीज़न क्या है? टाटीबंध चौक दोस्तों दो नेशनल हाईवे का जंक्शन है, साथ ही इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का भी जंक्शन है। और जैसा कि आप देख रहे हैं टाटीबंध चौक पे टोटल 4 रोड्स आके कनेक्ट होते हैं, जैसे कि NH-53 मुंबई कोलकाता हाईवे, रायपुर बिलासपुर हाईवे, रायपुर का रिंग रोड नंबर 1, रिंग रोड नंबर 2 और साथ ही ग्रेट ईस्टर्न रोड जो कि रायपुर शहर की तरफ आपको ले जाता है। ये चारों का जंक्शन है टाटीबंध चौक। ऐसा माना जा रहा है दोस्तों कि डेली ऑलमोस्ट 1 लाख से ज़्यादा गाड़ियाँ इस चौक को क्रॉस करती हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक जैम और रोड एक्सीडेंट्स का तो पूछे ही मत, आए दिन यहाँ पे हादसे होते रहते हैं। ये एक बहुत बड़ी समस्या बन गई थी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के लिए और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भी इस चीज़ के ऊपर ध्यान दिया और प्लान किया गया एक एलिवेटेड इंटरचेंज। लगभग 3 साल पहले की बात है यहाँ पे एलिवेटेड इंटरचेंज का काम शुरू हुआ था, बट काम को जिस प्रोग्रेस में चलना चाहिए था वो प्रोग्रेस पर चला नहीं और नतीजा है कि 3 साल बाद भी ये प्रोजेक्ट बन के तैयार नहीं हो पाया है। प्रोजेक्ट का प्रोग्रेस आप देख ही सकते हैं। वैसे देखा जाए तो नागपुर साइड से आने वाली जो एलिवेटेड रोड है उसका थोड़ा ज़्यादा ही स्लो प्रोग्रेस दिख रहा है। बाकी साइड्स में ब्रिज को रेडी कर लिया गया है, थोड़ा बहुत काम बाकी है, उम्मीद करते हैं कि उसको जल्दी पूरा कर लिया जाएगा। बट नागपुर साइड से अगर आप आएंगे तो जो एलिवेटेड रोड में जो कनेक्शन होना है वहाँ पर कुछ भी ज़्यादा काम देखने को नहीं मिल रहा है। और वैसा हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस ब्रिज को बनने में कम से कम 1 साल का और समय लगेगा। दुर्ग भिलाई रायपुर सेक्शन में दोस्तों टोटल 5 ब्रिज बनने वाले हैं। भिलाई साइड से अगर देखा जाए तो ये ब्रिज होगा 5वें नंबर का। सबसे पहला ब्रिज होगा सुपेला का, जो कि ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, इनोग्रेट नहीं हुआ है बट लोकल पब्लिक के लिए ओपन कर दिया गया है। हमने उसका वीडियो भी बनाया है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन में लिंक आ रहा होगा, चेक कर सकते हैं। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक डाल दूंगा, वहाँ से भी जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर और बहुत ही खूबसूरत और काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल ब्रिज बना है सुपेला में। उसके बाद दोस्तों ये ब्रिज है 5वें नंबर का जो कि रायपुर में बन रहा है। ये है एक इंटरचेंज जो कि रिंग रोड नंबर 1, रिंग रोड नंबर 2 और ग्रेट ईस्टर्न रोड पर भी जाके मिलेगा। तो ये था दोस्तों आज का हमारा छोटा सा वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस प्रोजेक्ट अपडेट के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं तो अपना ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान रखिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।